इसमें जो है ये कनेक्टर है जिसमें प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें रेड वाला जो है वो प्लस पे लगाना है और ब्लैक जो है वो माइनस पे लगाना है। यहाँ पे इसको टच करेंगे, देखिए ये टच करने से ये पूरा जो है इसमें एलईडी जो है वो ग्लो हो गया। हेलो फ्रेंड, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और ये जो है एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का लैब है, और आप देख रहे हैं कि ये हम सहादरा जो हमारा जो ब्रांच है मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का वहां पे है, और ये एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का यहाँ पे क्लासेस चलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो भी एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग कोर्स के अंदर हम क्या क्या कराते हैं, और उसके बाद से जो है हमारा एक टॉपिक रहेगा बैकलाइट से रिलेटेड, जो है बैकलाइट टेस्टर के बारे में बताएंगे। उससे पहले कि एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग में हम कराते क्या क्या, तो हम देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हर एक टाइप का, चाहे वो किसी भी टाइप का टीवी हो, चाहे एलसीडी हो या एलईडी हो या कोई भी कंपनी का हो, हर एक टीवी पे प्रॉपर जो है कराते हैं। कम से कम हमारे पास यहाँ पे 30 से 35 जो है वो टीवी रखा हुआ है, और हर एक टीवी में मतलब जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और कुछ टीवी सही है, तो इन सब पे जो है प्रैक्टिकल क्लासे होता है और इन सब पे कराया जाता है। कुछ टीवी जो है इधर खुला भी है, यहाँ पे खुला हुआ है, और हमारे पास जो है वो टीवी रिपेयरिंग के लिए भी आता है। जैसे कि आप देखेंगे वो 55 इंच का जो टीवी है वो यहाँ पे खुला हुआ है जिसमें बैकलाइट का इशू है, तो उसको जो हम सही करके उसको लगाएंगे। तो हम आते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि इस अगर हम बात करें एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग कोर्स का, जो लगभग एक महीने का कोर्स होता है जिसमें कंप्लीट इसके अंदर पावर सप्लाई, लॉजिक बोर्ड और टिकोन बोर्ड, ये तीन जो है बोर्ड होता है जिसकी रिपेयरिंग सिखाया जाता है। और इसके अलावा जो है इसके बैकलाइट से रिलेटेड जो इन्वर्टर कार्ड होता है, एलसीडी एलईडी कार्ड होता है, प्लस यूनिवर्सल बोर्ड जो लेटेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, एंड्रॉयड बोर्ड हो गया, यूनिवर्सल बोर्ड हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, उन सब बोर्ड पे भी प्रॉपर रिपेयरिंग सिखाते हैं। देन उसके बाद भी इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो इश्यू होता है, जैसे कि इसमें आपका RT809H वाला भी प्रोग्रामर यूज कराएंगे, और F वाला जो प्रोग्रामर है उसके द्वारा भी हमें कैसे प्रोग्रामिंग करना होता है, ये भी सब इस पे कराया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बैकलाइट टेस्टर के बारे में, जो कि ये टेस्टर जो है मार्केट में आपको 800 से 1000 रुपये तक जो है वो मिल जाता है। और इस टेस्टर का जो यूज होता है, जितने भी एलईडी आते हैं ये एलईडी स्ट्रिप जो है, अगर ये खराब हो जाता है तो उसके वजह से हमारा टीवी में इशू क्या आता है, डिम डिस्प्ले का इशू हो जाता है, या हमारा साउंड ओके होता है पर डिस्प्ले नहीं आता है, ठीक है, या नो डिस्प्ले का इशू आता है। तो हम कैसे कंफर्म करें कि वो जो हमारा बोर्ड से इशू है या बैकलाइट से रिलेटेड इशू है, तो उसके द्वारा ये टेस्टर यूज होता है। तो टेस्टर का कैसे हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मार्केट में जाते हैं तो इसमें ये देखिए ऑन ऑफ स्विच लिखा हुआ है, और सुपर एलईडी टेस्टर जो भी है इसके नाम से ये बिकता है, तो इसको यूज करेंगे। इसमें दो प्रोब दिया होता है, जो कि ये आपको ब्लैक और रेड जो है यहाँ पर लगाना होता है। सबसे पहले इसको हम ऑन करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लगा देते हैं। इस पर आप देखेंगे कि यहाँ पे 300 वोल्टेज जो है डिफॉल्ट होता है, डीसी 300, और ये डीसी 300 जो है ना वहाँ पे भी दिखा रहा है लेकिन यहाँ पे भी डीसी 300 होता है। तो अगर भूल से भी अगर इसको आप टच कर देते हैं तो आपको 300 का करंट लगेगा, मतलब हल्का सा झटका मारता है। तो ये हमेशा आपको सावधानी बरतनी है कि कभी भी इसको ऑन बोर्ड में चेक करें तो इसको टच ना करें, ठीक है। तो इसके द्वारा हमें इसको बैकलाइट को कैसे चेक करेंगे, हमारे पास कुछ बैकलाइट है, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे भी रखा हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए हमें कैसे इसको चेक करना होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक जो एलईडी है इसको भी हम चेक कर सकते हैं, और कंप्लीट जो है इसमें स्ट्रिप में जितना भी एलईडी लगा है उस सबको एक साथ भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर भी चेक कर सकते हैं, और ये भी हम कंफर्म कर सकते हैं कि इसमें जो है एक एलईडी पर्टिकुलर कितने वोल्ट पे काम कर रहा है, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे, इसमें यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये कनेक्टर दिया हुआ है, ये 300 वोल्ट पर आना चाहिए, और इसमें जो है ये कनेक्टर है जिसमें प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें रेड वाला जो है वो प्लस पे लगाना है और ब्लैक जो है वो माइनस पे लगाना है। यहाँ पे इसको टच करेंगे, देखिए ये टच करने से ये पूरा जो है इसमें एलईडी जो है वो ग्लो हो गया, और ये एलईडी हमारा पूरा स्ट्रिप जो है ये बिल्कुल ओके है, और हर एक एलईडी ओके दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आप स्मार्ट एलईडी टेस्टर पर अगर गौर करेंगे तो यहाँ पे 22 वोल्टेज जो है यहाँ पे दिखा रहा है,
अब 22 वोल्टेज का दिखाने का मतलब है कि हमारे टोटल जो एलईडी स्ट्रिप जो है वो कितने हैं, एलईडी कितने लगा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एलईडी स्ट्रिप लगा हुआ, मतलब 8 एलईडी लगा हुआ है और यहाँ पे 22 वोल्टेज के आसपास जो है वोल्टेज दिखा रहा है, हल्का सा जो है कुछ देर रखने पे थोड़ा सा वोल्टेज जो है वो बढ़ेगा भी, तो यहाँ पे 22 के आसपास जो है वोल्टेज आपको दिखा रहा है। अगर हम पर्टिकुलर बात करें एक एलईडी का तो 8 3 24 मतलब 3 वोल्टेज के अकॉर्डिंग जो है एक एलईडी जो है आपको दिखा रहा है। जैसे अगर पर्टिकुलर एक एलईडी को अगर आपको चेक करना है तो एक यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे, ये पॉइंट टेस्टिंग पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ से भी आपको कंफर्म कर हो जाएगा कि ये एलईडी कितने वोल्ट पे काम कर रहा है। यहाँ देखेंगे 3 वोल्टेज दिखा रहा है, 2.7 के आसपास जो है ये एलईडी का वोल्टेज होता है, कोई कोई 3 वोल्ट पे भी काम करता है। तो ये पर्टिकुलर भी एलईडी चेक करना हो तो ये चेक कर सकते हैं। दूसरा चेक करना है तो आप देखेंगे 2 का 6 वोल्ट दिखा रहा है, 3 का चेक करना है तो ये 9 वोल्ट दिखा रहा है, 4 का चेक करना है तो ये आपका 12 वोल्ट दिखा रहा है। हमारे पास दूसरा स्ट्रिप है एक एलईडी का, इसको चेक करते हैं। इसके लिए जो है यहाँ पे कनेक्टर दिया हुआ है प्लस और माइनस का, इस पर हम टच करते हैं, उल्टा हो गया तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो स्ट्रिप है कुछ इसमें एलईडी काम कर रहा है कुछ काम नहीं कर रहा है, जिसमें 3 जो है एलईडी वो काम कर रहा है और ये एलईडी जो है यहाँ पे डिम दिखा रहा है, मतलब ये भी खराब है। उसके अलावा जो है यहाँ पे एलईडी और ये जो एलईडी ये भी ग्लो करने नहीं कर रहा है तो ये भी खराब है। पर्टिकुलर एलईडी को अगर चेक करना है सिंगल तो यहाँ पे इसके ऊपर का जो है कवर जो है वो निकला हुआ है, इसको अगर चेक करना है तो इसको देखिए टच कर रहे हैं तो हल्का सा ब्लिंक कर रहा है और उसके बाद से बंद हो जा रहा है, तो ये एलईडी जो है बिल्कुल ख़राब है। अब हम इस पर भी बात करेंगे कि ये एलईडी अगर ख़राब होता है तो इसको हमें कैसे रिप्लेस करना है। तो आप नॉर्मली जो है आयरन के थोड़ा द्वारा इसको निकाल कर और इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हम अगले वीडियो में भी इस पर बात करेंगे और इस पर वीडियो बनाएंगे कि इस एलईडी जो है पर्टिकुलर कोई ख़राब हो जाता है तो इसको कैसे पर्टिकुलर एक एलईडी को चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए मार्केट में भी एलईडी जो है 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपये तक ये एलईडी एक मिलता है, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है तो आप दूसरे जो है स्ट्रिप से भी ये एलईडी निकाल के आप लगा सकते हैं और जो भी बैकलाइट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर मैंने ये वीडियो जो है ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बनाया है कि हमारा ये सहद्रा का ब्रांच है जहाँ पे LCD LED TV रिपेयरिंग का क्लासे होता है और यहाँ पे परफेक्ट तरीके से A to Z मतलब TV रिपेयरिंग से रिलेटेड जो है वो कोर्स कराते हैं, जो कि किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व भी करना बताया जाता है। और हमारा पर्टिकुलर यहाँ पे एक रिपेयरिंग सेंटर भी है और मार्केट से भी हमारे पास ये बोर्ड रिपेयर के लिए आते हैं। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कोर्स करना है, चाहे LCD LED रिपेयरिंग हो गया, कंप्यूटर रिपेयरिंग हो गया, CCTV हो गया, प्रिंटर हो गया या मोबाइल रिपेयरिंग हो गया, तो हमारा जो नंबर जो डिस्प्ले पे दिखा रहा है उस पर कॉल करके जो भी डिटेल है वो देख सकते हैं। या सहद्रा के नियर बाई आप हैं तो यहाँ पे आप जो है दुर्गापुरी चौक जो है यहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक बार आप विजिट कीजिए, एक डेमो क्लास लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।